दोस्तों, ये बात बहुत पुरानी है। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उनका राजा था शेर। कहा जाता है कि तब जंगल के किसी भी जानवर के पास पूंछ नहीं थी, केवल जंगल के राजा शेर के पास ही पूंछ हुआ करती थी। उसके अलावा सभी जानवर बिना पूंछ के ही रहते थे। पूंछ के बिना उनके जीवन में बड़ी मुश्किलें थी। मच्छर और मक्खियां जानवरों को खूब परेशान करते, उनके ऊपर भिनभिनाते, कभी उनके शरीर पर बैठकर खुजली मचाते और कभी उन्हें काटकर चले जाते। तरह तरह से जानवरों को सताते और बेचारे जानवरों को चुपचाप ये सब परेशानी सहनी पड़ती। बेचारे करते भी क्या, उनके पास मक्खियों और मच्छरों को उड़ाने के लिए पूंछ जो नहीं थी, इसलिए जानवर उन्हें भगा ही ना पाते। जंगल का राजा शेर बड़ा दयालु था। उसे बिना पूंछ के जानवरों की परेशानी देखकर बहुत दुख हुआ। उसके पास तो अपनी पूंछ थी, इसलिए वो जानता था कि एक छोटी सी पूंछ भी जानवरों के लिए कितनी मददगार हो सकती है और मुसीबत में उनके काम आ सकती है। ये सोचकर शेर ने दूर शहर से सभी जानवरों के लिए तरह तरह की पूंछें मंगवाई और फिर जंगल में घोषणा करवा दी कि सभी जानवरों को जंगल के राजा शेर की तरफ से एक पूंछ दी जाएगी। राजा का ये संदेश सुनकर जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सारे जानवर शेर की गुफा की ओर जाने की तैयारी में जुट गए। अगले दिन सुबह सुबह ही शेर अपनी गुफा के बाहर आकर बैठ गया और जानवरों का इंतजार करने लगा। शहर से टोकरी भर कर पूंछें लाई गई थी। छोटी पूंछ, बड़ी पूंछ, मोटी पूंछ, पतली पूंछ, काली, सफेद, रंग बिरंगी, बालों वाली पूंछ और बिना बालों वाली पूंछ, जितने तरह के जानवर उतने तरह की पूंछ, हर एक जानवर के लिए एक अलग पूंछ। जंगल के सभी जानवर सुबह सवेरे उठकर तैयार हो गए और अपने लिए पूंछ लेने निकल पड़े। जंगल में रहने वाली चीटू लोमड़ी बड़ी होशियार और फुर्तीली थी। उसने सोचा कि अगर मैं सबसे पहले शेर की गुफा में पहुंच जाऊं तो मुझे मेरी मनपसंद पूंछ चुनने का मौका मिलेगा। और ये सोचकर लोमड़ी सुबह झटपट उठी और सबसे पहले शेर की गुफा के बाहर जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने शेर को कहा, महाराज, मैं यहां सबसे पहले पहुंची हूं, कृपा करके मुझे मेरी मनपसंद पूंछ चुनने का मौका दीजिए। शेर ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो भी पूंछ अच्छी लगे वो ले लो। लोमड़ी ने पूंछ की टोकरी में से सबसे खूबसूरत पूंछ चुनी और उसे लगाकर इतराती हुई वहां से चली गई। तब तक बाकी जानवर भी वहां पहुंच चुके थे। बंटी बंदर ने लंबी, पतली और लचीली पूंछ उठाई, जो ना सिर्फ मक्खी मच्छर को दूर भगाए बल्कि ऊंचे ऊंचे पेड़ों में झूलने के भी काम आए। पॉली खरगोश ने अपनी ही जैसी छोटी सी प्यारी सी पूंछ लेकर लगा ली। जंबो हाथी तो अपने भारी भरकम शरीर को संभालते संभालते उधर पहुंचा था। शेर ने जंबो हाथी के लिए एक मोटी सी पूंछ मंगवा कर रखी थी, लेकिन जंबो हाथी ने कहा, महाराज, मैं अपने भारी भरकम शरीर का वजन पहले से ही उठा रहा हूँ, अब मैं और अधिक वजन नहीं उठा सकता, कृपया मुझे कोई और पूंछ दे दीजिए। जंबो हाथी की बात सुनकर शेर हंसने लगा और उसे एक पतली सी पूंछ उठाकर दे दी। इस तरह जंगल के सभी जानवरों ने अपनी अपनी पूंछ ली और घर लौट गए। उसी जंगल में एक आलसी भालू रहता था। भालू ने सोचा, शेर की गुफा तो बहुत दूर है, मुझे बहुत दूर चलकर जाना पड़ेगा जिससे मैं थक ही जाऊंगा, इसलिए जाने से पहले अच्छे से पेट भरकर खाना खा लेता हूँ और थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बाद में उठकर पूंछ लेने चला जाऊंगा। भालू ने डटकर खाना खाया
और खा पी कर सो गया और फिर वो सारा दिन सोता ही रह गया। शाम होने पर जब उसकी आंख खुली तो वो शेर की गुफा की ओर भागा, लेकिन तब तक तो वहां एक भी पूंछ नहीं बची थी। आलसी भालू बिना पूंछ का ही रह गया। जंगल के सारे जानवरों ने समय पर पहुंचकर अपनी अपनी पूंछ ले ली और शान से पूंछ हिला हिला कर मक्खी मच्छरों को भगाने लगे, लेकिन आलसी भालू अपने आलस की वजह से आज भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। जब भी शहद खाने के लिए मधुमक्खी के छत्ते के पास जाता है, मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ती हैं, डंक मार मार कर उसे परेशान करती हैं। तब भालू मन ही मन बड़ा पछताता है और मन ही मन सोचता है, काश मैंने उस दिन आलस ना किया होता तो आज मेरे पास भी पूंछ होती और बाकी जानवरों की तरह मेरी जिंदगी भी आसान हो जाती। दोस्तों, हम में से कई लोग उस भालू की तरह ही कभी कभी आलसी हो जाते हैं। सुबह देर से उठते हैं, टाइम पर तैयार नहीं हो पाते तो स्कूल की बस छूट जाती है, पढ़ाई के समय पर पढ़ाई नहीं करते तो होमवर्क छूट जाता है, असाइनमेंट लेट हो जाते हैं। इसके अलावा जिंदगी की कई अच्छी चीजें अपने आलस की वजह से मिस कर देते हैं। इसलिए आलस छोड़कर सारे काम समय पर करना सीखें और आलसी भालू की तरह पछताने से बच जाएं।